बाद रविवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर जनरल टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। 11 माह बाद शुरू हुए अनारक्षित ट्रेनों में पहला ट्रेन गोरखपुर सिवान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 2A से शाम को रवाना हुआ। इसके बाद गोरखपुर से पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। 11 माह बाद 7 मार्च से गोरखपुर में जनरल टिकटों की बिक्री भी शुरू की गई है। दोपहर 2 बजे से जनरल टिकटों के काउंटर खोले गए। 8 मार्च से गोरखपुर छपरा, 9 मार्च से गोरखपुर सीतापुर और 10 मार्च से गोरखपुर नरकटियागंज पैसेंजर एक्सप्रेस के रूप में चलने लगेगी। इन ट्रेनों के चल जाने से लोगों को राहत मिलेगी। पैसेंजर ट्रेनों के चलने से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की चहलकदमी बढ़ गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, आज एक काउंटर खुला है जो पैसेंजर ट्रेन के लिए, कब से खुला है? 2 बजे। 2 बजे अभी तक लगभग कितने यात्रियों ने इस पर टिकट खरीदा? अभी तो 5 टिकट लिए हैं, 5 यात्री लोग। कितनी ट्रेनें चल रही है सर? केवल एक। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार मिश्रा। रास्ते कुछ ही समय पे प्लेटफॉर्म क्रमांक स्टेशन गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन यात्रियों का स्वागत करता है। हाँ, पैसेंजर ट्रेनें 7 तारीख है तो आज से कुछ ट्रेनें हम लोगों ने शुरू करी हैं और इसके दौरान जैसा आपको पता है कि अभी अनारक्षित ट्रेनें ही चल रही हैं। जो पैसेंजर ट्रेनें हैं इसमें कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है और स्टेशन पे प्रॉपर व्यवस्था की गई है। जो प्रोटोकॉल 3 हैं हम लोगों के, एक तो प्रॉपर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना एंड तीसरा जो है हैंड हाइजीन का ध्यान रखना। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इन प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और सभी की यात्रा मंगलमय हो।